हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, और इस गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे। और आज है संडे और अभी अभी आए थे हम चर्च से, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल बारिश हुई थी लेकिन बारिश के बाद ना बहुत ज़्यादा हो गया हवस और हवा बिल्कुल बंद है। और आज मैंने लगाया हुआ था आईलाइनर और अभी जो पसीने की वजह से देख सकते हैं सारा फैल चुका है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब मैं कुकिंग करने लगी हूँ और आज संडे है, सैम को भी छुट्टी है। और अभी मैं बनाने लगी थी चिकन पुलाव, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। शेयर मतलब क्या करना, आप सबको भी बनाना आता होगा, बहुत ईजी है। और गर्मियों में यही होता है, जिस दिन गर्मी ज़्यादा हो ना, जल्दी जल्दी से मतलब चावल बना लो, जल्दी जल्दी बन जाती है ना, तो इस वजह से। और अभी मैं मतलब सारे जो मसाले वगैरह कटिंग करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी जब बनाऊँगी खाऊँगी फिर। और सैम भी आज घर ही है और अभी वो गए थे बाज़ार, कुछ चीज़ें वगैरह लेके आनी थी, क्या कहते हैं, घर के लिए ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। और अभी जो है सामान लेके आ चुके हैं और अभी चले जी, मैं अभी जो है सारे अब संडे को जो काम वगैरह करूँगी और आपसे शेयर करती हूँ। और आज जो मैंने ये जो ब्लू शर्ट पहनी हुई है ना, ये कल शर्ट मेरी की थी दादी ने सिलाई, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी, जैसा कि देख सकते हैं ये है मेरी ब्लू शर्ट और ये जो ब्लैक ट्राउज़र है और ये जो ब्लैक दुपट्टा है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। और गर्मियों में ये कलर ऐसे बड़े अच्छे लगते हैं, जिस तरह के वाइट ट्राउज़र हो, वाइट दुपट्टा हो, उसके साथ किसी भी कलर की आप शर्ट पहन सकते हैं, ब्लैक ट्राउज़र ब्लैक दुपट्टा हो, तो मैं फिर इस तरह की बड़ी स्कीमें लगाती होती हूँ। आप भी ज़रूर लगाया करें, और लगाते होंगे ना। तो चलें जी, अभी जो है हमारा क्या कहते हैं सौदा वगैरह ग्रॉसरी वो भी हो चुकी है, चिकन भी आ चुका है, तो फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। तो जी मेरे देखने वाले फ्रेंड्स, बाल मैंने बांध लिए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा चलो यही स्टाइल गर्मी में, ख़ासतौर पे जब खवातीन कुकिंग करती हैं ना, तो यही ठीक रहता है। और चिकन भी मैंने धो लिया और अब ये जो मसाला है ना चावलों के लिए, प्याज टमाटर लहसुन, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं ये काट लूँ। तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज संडे है, आप लोग क्या क्या बनाएंगे, कमेंट्स में बताइएगा मुझे ज़रूर। कुछ लोग फ्राइडे को मतलब उनको छुट्टी वगैरह होती है, फिर वो उस दिन मतलब सारी कुकिंग वगैरह बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और हमें ये होता है संडे को फिर चर्च से आके, ये होता है अगर किसी गेस्ट वगैरह ने आना हो या खुद कहीं जाना हो, और सैम को भी ये होता है संडे को ज़्यादातर तो छुट्टी होती है ना, तो इस वजह से। और कल एक भाई उन्होंने कमेंट किया था सभी व्लॉग्स कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा बातें किया करें, तो अगर मेरे भाई मैं ज़्यादा बातें करती रहूँगी तो लोग तो मेरी बातों से बोर हो जाएंगे। बातें आती तो है लेकिन फिर ये नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा बातें करी जाऊँ। हाँ अच्छा लगा, चलिए आपने कमेंट किया तो हम आपके कमेंट्स को क्या कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं। तो ये है कि चले बातों के साथ साथ काम भी, और फिर ये ना कि वीडियो पर अगर मैं बोली जाऊँ ज़्यादा लंबी बनी जाएगी, तो आप लोग फिर ये मुझे ये होता है फिर बोर ना हो जाए, तो इस वजह से। तो चले जी मसाला वगैरह बना के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी प्याज भी मैंने कटिंग कर लिया है, टमाटर भी, और अभी जो दूसरा मसाला लहसुन अदरक वो मामा बना रही हैं। और अभी ये था कि जो हम ग्रॉसरी करके लेके आए हैं चावल, तो अभी उसमें से निकालने हैं, तो मैंने कहा चलो पहले मैं खाना बना लूँ, तो फिर मैं इसमें से सारी जो चीज़ें हैं इनको सेट करके रखूँगी। और ये है अभी जो आपको भी पता होगा मंथली जो होता है खाना पीना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारा मैंने बखेर बखूर दिया, मैंने कहा चलो मैं बाद में सेट कर लूँगी। और चावल मैंने निकाल लिए हैं और अभी हम चलते हैं किचन में और इसको मैं डालती हूँ अभी बॉक्स में। और ये जो मैंने अभी बनाने वो मैंने निकाल लिए हैं और ये इसको मैंने इसमें सेव कर दिया, और ये जो अभी कुछ बिखर गए इनको मैं बाद में साफ कर लेती हूँ जरा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जैसा कि देख सकते हैं मैं इनको ले आई हूँ, मैंने कहा जी आए तो आपको छुट्टी है, मैंने कहा चले आप भी सामने आए, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई को भी वीडियो में, ओ सॉरी उनका, उनके भाई फिर लेके आया करे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो मैंने कहा चलो आप भी आ जाओ। और व्यूअर्स कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप अपना बताएं। मैं भी ठीक। गर्मी बहुत ज्यादा, और अभी बाहर से आए हैं और आज इनके जनाब के चक्कर बहुत ज्यादा लगवाए हमने, क्योंकि कुछ चीजें वगैरह मंगवानी थी इस वजह से। तो अभी जनाब कह रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा चलो
कोई नहीं, आज जरा क्या कहते हैं अपनी शक्ल शरीफ दिखाते हैं, शक्ल शरीफ दिखा दो। और पुलाव हमारा जो है ना वो मिशन तकरीबन कंप्लीट होता जा रहा है। दिखाओ, मैं दिखाता हूँ पुलाव को। चलो सैम दिखा देते हैं। और अभी मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। ये चिकन फ्राई हो रहा है, टमाटर भी मैंने ऐड किया और पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि कल बारिश हुई थी मगर बारिश की वजह। ये जनाब अभी बाहर से आए थे तो मैंने कहा हाँ तो कैप तो उतार लो, कोई बात नहीं, गर्मी है ना इस वजह से। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूवर से जो कहते हैं कि आप वीडियो में नहीं आते? वीडियो में मैं ड्यूटी पे होता था तो इसलिए मेरा टाइम नहीं था होता। और तो कभी कभी ये भी कहो मेरा दिल भी नहीं होता। नहीं, दिल भी नहीं, मतलब दिल भी नहीं होता, तभी होते फिर मूड नहीं था। अच्छा, इसलिए वीडियो में नहीं आते। लेकिन देखो लोग मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं। अच्छा, हाँ जी, चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे वीडियो में आए। हाँ जी, आ गया। तो चले जी जनाब, आपका थैंक यू। तो अभी देखे जी पुलाव हमारा बन रहा है, खाना हमारा रेडी हो गया है। हो गया रेडी जी, हो गया रेडी। हाँ जी, अभी हम डाइनिंग टेबल पे चलते हैं और बाद में फिर अपनी मामा से भी मिलवाते हैं जिन्होंने आज हमारी वीडियो बनाने में हमारा साथ दिया है। तो चले जी, तो भैया आपको हम दिखाते हैं अपनी मामा। पंखे के नीचे जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएंगे। तो ये हमारी मामा है, हेलो कर दो। और ये मैंने मजेदार सा रायता बनाया था, ग्रीन 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 रायता है। और ये हमारी बिरयानी है, पुलाव बनाया मैंने, पुलाव सॉरी। हाँ जी, क्योंकि मुझे ना पुलाव कलरफुल बड़ा पसंद होता है, मैं इसमें भी ना कलर डालती हूँ, मुझे बड़ा पसंद होता है, इस वजह से सैम कह रहे हैं बिरयानी, लेकिन ये है पुलाव। और अभी हम खाने लगे हैं खाना, जिस जिस दिन खाना है आप भी आ जाएं और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये जनाब घर में भी कैब बैठे। ओके जी, खुदा हाफिज़।